हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज। हमारा पहला टॉपिक है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की कंपोजिशन को देखें तो वो दो चीज़ों से मिलके बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एक डीएनए की बात कर रहे हैं और कुछ प्रोटीन्स शामिल होती हैं। तो प्रोटीन जो है उनका क्या नाम है, उनको हिस्टोन नाम दिया गया है। तो ये आपको कुछ टर्म्स आएंगी, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, उसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्रोमैटिन क्या चीज़ है? क्रोमैटिन हाईली डिस्पर्स स्टेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिन। कि जो हाईली डिस्पर्स, डिस्पर्स कहते हैं कि बिखरी हुई फैली हुई जो चीज़ होती है उसको हम डिस्पर्स कहते हैं। तो हाईली डिस्पर्स स्टेट जो है क्रोमोसोम की वो कहलाती है क्रोमैटिन। ये आपको डायग्राम शो हो रही है, ये क्या है, ये एक हाईली डिस्पर्स स्टेट है किसकी, क्रोमोसोम्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम है, अब ये अलग अलग है, ये बिल्कुल फैले हुए हैं, तो ये हाईली डिस्पर्स स्टेट है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्रोमैटिन है। अब जो क्रोमेटिन है ये क्या काम कर रहा है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है जब सेल साइकिल के दौरान अपने ज़्यादातर वो जो टाइम है क्रोमोसोम्स वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन रहता है, यानी कि वो डिस्पर्स हालत में रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम क्या है, इट इज़ हाईली कंडेंस्ड स्टेट ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। अब जब सेल की डिवीजन हो रही है उस टाइम हाईली जो कंडेंस्ड स्टेट है क्रोमेटिन की वो कहलाती है क्रोमोसोम। जैसे अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये इस तरह हमें नज़र आएंगे। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड स्टेट जो है वो क्या है, वो क्रोमोसोम कहला रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि टू क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास टू क्रोमेटिड्स हैं, तो ये जो है ये कंडीशन हम कह रहे हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड है। जब इसको हम थोड़ा इस तरह कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये क्रोमेटिन बन जाएगा, यानी कि हाईली डिस्पर्स स्टेट बन जाएगी। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। और वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो जो एक सेल है उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद है। इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद होता है। क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें डीएनए होता है, कुछ प्रोटीन्स हैं। डीएनए की परसेंटेज 40% है और प्रोटीन 60% मौजूद हैं। प्रोटीन्स की हमने बात कर ली कि उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं डीएनए, क्योंकि हमने बात की कि इसमें कुछ डीएनए है और जो है डीएनए मौजूद है और इसमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद है, तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं। डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा डीएनए में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर हुई हुई होती है। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हम कहते हैं कि वो फादर से डॉटर में, उसके बाद डॉटर से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो ये डीएनए का एक फंक्शन है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल हेलिकल। अब डीएनए का क्या काम है, इट हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्स पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। अब ये क्या करता है, ये डीएनए की पैकिंग करवाता है क्रोमोसोम्स में, एक हाईली कॉम्प्लेक्स पैकिंग करवा रहा होता है क्रोमोसोम्स में। अब बात करें अगर वो जो प्रोटीन्स के भी हमने बात की, तो इसमें 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब H1, H2A, H2B, H3, H4, अब उन 5 प्रोटीन्स के ये नाम हैं। अब H1 क्या होती है, H1 जो है एक हाईली लाइसिन रिच प्रोटीन होती है, हाईली लाइसिन। अब लाइसिन क्या चीज़ है, ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और हम कहते हैं एक में दो अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, एक लाइसिन की बात करेंगे और दूसरी आर्जिनिन की बात करेंगे। अब ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो प्रोटीन एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, कि इट हेल्प इन मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिविटी। ठीक है, बोथ अमाइनो एसिड्स हेल्प इन द मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिविटी। तो H1 जो है ये क्या है, हाईली रिच प्रोटीन है। H2A और H2B क्या है, ये मॉडरेट लाइसिन प्रोटीन है। ये H1 हाईली लाइसिन रिच है, H2A और H2B ये मॉडरेट है, यानी कि दरमियानी लाइसिन प्रोटीन है। H3 और H4 जो है ये है आर्जिनिन प्रोटीन, वो दोनों लाइसिन की थी लेकिन H3 H4 ये आर्जिनिन प्रोटीन है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो आर्जिनिन प्रोटीन होती है इसकी नेचर बेसिक होती है। तो अब हिस्टोन की अगर बात कर रहे हैं, तो हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वो क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि हमने कहा कि उसके अंदर दो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, एक लाइसिन और दूसरा आर्जिनिन। इन दोनों अमाइनो एसिड्स की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरी अगर प्रोटीन्स की बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, यानी कि बाकी अगर प्रोटीन्स की बात करें हिस्टोन से बाकी जो अलग प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये अब कुछ एक यूकेरियोटिक क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये इसके एक पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हम कह रहे हैं कि एक ये क्रोमोसोम है, इसका एक पार्ट है डीएनए का। अब यहाँ पर हम इसको अनवाइंड द डीएनए, एक डीएनए है उसके पार्ट को हमने अनवाइंड कर लिया, उसको हमने खोलना है। अब जाहिर सी बात है अगर हमने किसी चीज़ की खसूसियात देखनी होगी तो हम उसे पहले खोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक पढ़नी है तो आपने कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपने उसे पढ़ना है, तो आप एक बंद बुक से तो नहीं आप देख सकेंगे किसकी क्या है इस टॉपिक के बारे में क्या नहीं है, उसके लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने डीएनए को डीएनए की खसूसियात को देखना है तो इसको हमने अनवाइंड कर दिया, अनवाइंड द डीएनए। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हमने अनवाइंड किया। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। कितने? 200 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब इसमें आपको एक रेड कलर की भी कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये रेड कलर का क्या है? ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर हमने अब इसके स्ट्रक्चर को अनवाइंड किया, मजीद अनवाइंड किया, तो यहाँ पर हमें एक न्यूक्लियोसोम नज़र आ गया। इट इज़ मेड अप विथ 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब इस न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये डीएनए है, ये रेड कलर का डीएनए है, और ये जो ब्लैक है ये हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं, कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है, रेड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ब्लैक कलर में है। अब यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का फिल जो है वो नज़र आ रहा है, दायरा सा सर्कल है जो फिल हुआ हुआ है ब्लैक कलर से। अब ये एक लिंकर प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इस लिंकर प्रोटीन का काम है कि इसने इस न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ना है। इस जाहिर सी बात है किसी चीज़ को लिंक करवाना है तो हम उसको लिंकर का नाम दे देते हैं। तो इस लिंकर प्रोटीन का क्या काम है? उसने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अब इसको हमने देखना है कि ये कुछ न्यूक्लियोसोम है, अब इससे डीएनए बन रहा है। डीएनए के अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, अब ये हिस्टोन है, इसको हमने सेपरेट करके देख लिया। अब सेपरेट देखा तो ये कुछ डीएनए है, ये रेड कलर में हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आप देखें, ये डीएनए और ये हिस्टोन्स मिलके एक हमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसकी अगर बात करें तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और यहाँ पर अब हमने ये जो डीएनए है ये इसी के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी कि उसके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन्स ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये हमने उसको अनवाइंड किया था, ठीक है, क्रोमोसोम के एक पार्ट को अनवाइंड किया तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आई, डीएनए भी हिस्टोन भी। उसके अलावा इसको हम कोर पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं कुछ के इसकी थ्योरेटिकल क्या होगा। तो अब आपको ये न्यूक्लियोसोम नज़र आ रहा है। न्यूक्लियोसोम क्या है? कि फोर टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियोसोम क्या है? एक फोर टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म अ कोर पार्टिकल, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम। ये क्या था? हमने कहा था कि फोर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फोर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इन्होंने मिलके एक कोर पार्टिकल बनाया, और उस कोर पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं? तो इसको सारे को मिला के हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है। अब इसमें हमने बात की थी H2A, H2B, H3, H4, और वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? वो H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन्स शामिल हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोसोम जो है हम कह रहे हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स एंड फॉर्म अ ऑक्टमर। 8 मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो एक ऑक्टमर बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम जो है हमें यहाँ पर वैसे ये चार नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इस तरह ये आपको रेड और ब्लू कलर की सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इस तरह अंदर फोल्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 होते हैं, बाहर से तो हमें चार नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर ये टोटल 8 होते हैं, और मिलके एक इन्होंने ऑक्टमर बना दिया होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए में ये चार प्रोटीन्स मदद करती हैं। अब आपने इसमें बाकी चारों को देखा लेकिन H1 को नहीं देखा। H1 अब क्या काम करती है? H1 जो है ये हिस्टोन ऑक्टमर का पार्ट नहीं है, हिस्टोन ऑक्टमर ये है, इसलिए हमने कह दिया H1 जो है वो इस ऑक्टमर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक सीलिंग प्रोटीन का काम करती है। अब यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक लाइन है ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए
उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो रेड और ब्लू आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और ये जो एक और ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है ये H1 है, H1 प्रोटीन है, लेकिन ये इस ऑक्टोमर का पार्ट नहीं है। इसकी हम रीज़न देखते हैं क्यों, ठीक है। तो अब हम इसकी जब फर्दर पॉइंट देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जिस तरह आपकी बुक में भी मेंशन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ इन पे बीड्स भी मौजूद होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं कि जैसे ये अपीयरेंस कहाँ शो होती है, इंटरफेज में शो होती है, ठीक है। सेल साइकिल में हमने इंटरफेज पढ़ा था, जब ये अपीयरेंस वहाँ पर शो होती है कि इन पे कुछ स्ट्रिंग पे कुछ बीड्स मौजूद हैं। जैसे ये थ्रेड है, इस पे ये कुछ आपको ब्लैक ब्लैक गोल गोल नज़र आ रहे हैं, कुछ बीड्स मौजूद हैं, बिल्कुल एक मोती की तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये बीड्स हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन की ये बात की कि क्रोमैटिन पे कुछ बीड्स नज़र आ रहे हैं, और ये बीड्स कहाँ पर होते हैं, कौन सी स्टेज में, इंटरफेज की स्टेज में मौजूद होते हैं। अब क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। डीएनए की जब बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन है ये कंट्रोल करती है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोसोम है इट इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि डीएनए हमारे पास मौजूद है, ये मैंने कुछ लिखा भी हुआ है ये सेपरेट। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में जीन्स मौजूद होती हैं, तो अब वो जीन्स क्या कर रही है, उन्होंने कोई फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आरएनए बना रहे हैं या फिर कोई प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो जो जीन्स हैं उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया और उन्होंने कोई प्रोटीन फॉर्मेशन की, तो इसको क्या कह रहे हैं कि जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया, कोई प्रोटीन फॉर्मेशन की, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये जीन एक्सप्रेशन कहला रही होती है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है इसने क्या करना है, इसने जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस का काम करना होता है, इट इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने जो है क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि उसमें कुछ बीड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो जो है उसके बाद हमने देखा कि क्रोमैटिन जो है वो कंट्रोल करती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए को, और न्यूक्लियोसोम जो है हम कहते हैं कि इट इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। इन्फ्लुएंस हम कहते हैं कि ये असर करता है जीन एक्सप्रेशन पर, या फिर कुछ इफेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन पर। तो लिंकर प्रोटीन, अब फर्दर हम आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और उसके हम स्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि इनका क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भी आपको ये वैसे बता देती हूँ, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर से भी समझाऊंगी। तो लिंकर प्रोटीन H1 जो है ये क्या है, हम कहते हैं कि फिफ्थ हिस्टोन H1, हमने 5 हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब H1 जो है ये क्या काम करती है, मैंने आपको यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर दिखाया था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी हम रीज़न बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी रीज़न आ गई कि फिफ्थ हिस्टोन H1 है, ये कह रहे लिंकर प्रोटीन है, इसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब इसको लिंकर प्रोटीन, यहाँ पर हमने जब बात की थी लिंकर प्रोटीन की, लिंकर प्रोटीन की बात की थी ना, अब ये लिंकर प्रोटीन H1 है, तो H1 जो है हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, इट फिक्स द डीएनए विद न्यूक्लियोसोम। तो ये जो H1 प्रोटीन है जिसको लिंकर प्रोटीन कहा जा रहा है, ये फिक्स करती है डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये इस न्यूक्लियोसोम के साथ, इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपटा रहे, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो लिंकर प्रोटीन है इसका काम करे कि जो डीएनए है, यहाँ पर डीएनए है, इसने न्यूक्लियोसोम के साथ आकर वाइंड करना है ना, तो इस लिंकर प्रोटीन की मदद से ये आपस में इनको जोड़ती है न्यूक्लियोसोम को, इसलिए ये H1 जो है हम कहते हैं कि ये इस ऑक्टोमर का पार्ट नहीं है। वो क्यों इस ऑक्टोमर का पार्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसने डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ फिक्स करना होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक हमारे पास टर्म है सोलेनाइड, ठीक है। अब व्हाट इज़ द सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या होता है कि एक 13 नैनोमीटर फाइबर है क्रोमैटिन का, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि क्या है, एक फाइबर है और वो उसके नैनोमीटर क्या है, 30 नैनोमीटर फाइबर्स ऑफ क्रोमैटिन विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस थिकेंड क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। इसका क्या काम होता है कि ये हेल्प करता है क्या करने में, एक क्रोमोसोम बनाने में, और क्रोमोसोम क्या, थिक क्रोमोसोम बनाने में, किस टाइम, ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। तो विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस थिकेंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। अब कहते हैं कि कुछ हमने बात की कि बीडिड स्ट्रिंग भी मौजूद होता है, तो वो जो बीडिड स्ट्रिंग है कैन कॉइल टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन H1। तो वो जो बीडिड स्ट्रिंग है वो हम कह रहे हैं कि कॉइली, हम कह रहे हैं बीडिड स्ट्रिंग है, उसने कॉइली जो है टाइटली करना है, इस तरह एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली इसने मिलना है विद द हेल्प ऑफ H1। अब सोलेनाइड फाइबर्स ने एक लूप बना देना है, ठीक है।
अब ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, ये मैं भी आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो एक और चीज़ भी देख लेते हैं, कुछ मेटाफेस क्रोमोसोम होती है। मेटाफेस क्रोमोसोम जो है एक फोल्ड होती है, क्वाइल होती है, कब होती है इन माइटोटिक क्रोमोसोम। उसके अलावा ये फर्दर कॉम्पैक्ट होती है, और कुछ ये सारे जितने भी क्रोमेटिन है ये एक्टिव नहीं होते, कुछ एक्टिव होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सारे क्रोमेटिन एक्टिव नहीं होंगे, जब वो अडल्ट हो जाएगा उसके बाकी क्रोमेटिन उस टाइम एक्टिव होंगे, तो एट अ टाइम सारे क्रोमेटिन एक्टिव नहीं होते। अब एडोलेसेंस हम कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि एक यंग है उसने जब अडल्ट की फॉर्म अडल्ट बनना है तो उस स्टेज को कह रहे हैं एडोलेसेंस, ठीक है, चाइल्डहुड। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम जो है समझा देती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाए। तो हम यहाँ पे आपको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जैसे आपकी बुक में बना हुआ है कि एक मेटाफेस क्रोमोसोम है, बिल्कुल आपकी बुक में इसी तरह बना है कि मेटाफेस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें कुछ रजिस्ट्रिंग भी मौजूद है, 1400 नैनोमीटर है। देन आपको एक कंडेंस सेक्शन दिखाया गया है क्रोमेटिन का जिसका 700 नैनोमीटर है। उसके बाद इन्होंने जो कंडेंस क्रोमेटिन है इन्होंने एक लूप बना दिया 300 नैनोमीटर। उसके बाद जो है आगे आपको ये एक डीएनए नज़र आ रहा है, ठीक है, बनता हुआ डीएनए नज़र आ रहा है। ये एक न्यूक्लियोसोम है जिसके हम कह रहे हैं कुछ इस पे बीड्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और उन्होंने इसके बाद ये डीएनए बना दिया। लेकिन अब इसको आपने इस तरह ही नहीं याद रखना, आपको मैं बताती हूँ एक आसान सा हल इसका क्या है कि आप इसको किस तरह याद रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास, ये भी आप साथ साथ देखते जाएं, ठीक है, कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास एक फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या है, ये एक डीएनए मौजूद है, ठीक है, ये क्या है, ये एक डीएनए है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए था। अब इस डीएनए ने क्या करना है, डीएनए बाइंड्स विद हिस्टोन एंड फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। अब इस डीएनए ने क्या करना है, यहाँ से हम एक और कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या करना है, ये फॉर एग्जाम्पल हम पहले डीएनए बना लेते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पर ये डीएनए है, ठीक है, इसने कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगी, फॉर एग्जांपल ये जो रेड से मैं बना रही हूँ ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इसने डीएनए ने इसके साथ बाइंड कर दिया और क्या बना दिया, एक न्यूक्लियोसोम बना दिया। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये एक हमने बात की ये डीएनए था, अब ये क्या था, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम है। अब यहाँ पर आपको एक और जो है वो नज़र आ रही होगी, हमने बात की थी H1 की। अब यहाँ पर एक और प्रोटीन होती है जिसको हम लिकन प्रोटीन कह रहे थे, ये कौन सी प्रोटीन है, जो ब्लैक से मैंने मेंशन की है, ये है H1, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी मौजूद होगी, उसके बाद ये यहाँ पर भी मौजूद होगी, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, अब यहाँ पर डीएनए जो है वो हिस्टोन्स के साथ बाइंड कर दिया, उसने एक न्यूक्लियोसोम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने H1 की भी बात कर ली कि H1 का क्या काम है, इसने इसको बाइंड करना है, न्यूक्लियोसोम को डीएनए के साथ बाइंड करता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी, अब यहाँ पर एक लिंकर डीएनए भी मौजूद है, जिस तरह लिंकर प्रोटीन है इस तरह एक लिंकर डीएनए भी मौजूद है, और उस लिंकर डीएनए का क्या काम है, वो इसको इसको आपस में जोड़ेगा इसके साथ, और इसके साथ एफिलिएशन होगी विद दी हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए, ठीक है। एक तो लिंकर प्रोटीन की बात की थी, वो लिंकर प्रोटीन जो है वो H1 है, और उसका क्या काम था, इसका काम था इट्स फिक्स, हमने क्या पढ़ा था कि इट फिक्स द डीएनए विद न्यूक्लियोसोम। ये क्या करती है, ये देखें, इट फिक्स द डीएनए विद न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए को जो है न्यूक्लियोसोम के साथ फिक्स करती है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है मैंने लिंकर प्रोटीन का तो मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पर साथ ही यहाँ पर एक लिंकर डीएनए भी है, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, लिंकर डीएनए, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया कि कुछ लिंकर प्रोटीन भी हैं, अब लिंकर डीएनए भी है, लिंकर डीएनए की मदद से ये जो है पूरा ऑक्टोमर ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन है लिंकर प्रोटीन, उसकी मदद से डीएनए इस न्यूक्लियोसोम के साथ फिक्स कर रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये डीएनए जो है ये रेड कलर का डीएनए ये फिक्स कर रहा था इसके साथ, ठीक है।
जैसे ये लिंकर प्रोटीन है, इसने क्या किया, इसने इस रेड कलर के जो डीएनए है इसको फिक्स करना है इस न्यूक्लियोसोम के साथ, और लिंकर डीएनए ने क्या करना है कि इसने इसको इसके साथ कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक लिंकर डीएनए होता है और एक लिंकर प्रोटीन होती है। तो ये हम डायग्राम देख रहे थे, हमने लिंकर डीएनए की भी बात कर ली और हमने हिस्टोन वन की भी बात की। उसके अलावा हमने कहा था कि ये जो एक न्यूक्लियोसोम है ये क्या है, इट इज़ कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने बात की थी कि इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि एक ऑक्टोमर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स बीड्स ऑन डीएनए स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आगे जो है कुछ जो है बीड्स भी मौजूद होंगे इनके ऊपर, कुछ बीड्स भी मौजूद। मैं कुछ बहुत गंदी है डायग्राम बना रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए है ये, वैसे इस तरह कुछ करके है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमने बात करनी है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इनके इन पर कुछ बीड्स भी मौजूद होंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, द बीडेड स्ट्रिंग कैन कॉइल टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन H1। ठीक है, कि अब ये जो बीडेड स्ट्रिंग है इन्होंने क्वाइटली, ठीक है, इन्होंने ऐसे क्वाइल कर लेना है टाइटली, किसकी मदद से, H1 की मदद से। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह बीड्स की वजह से और H1 की वजह से ये क्वाइल हो गई है टाइटली। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में आ गया है और इसने एक और लार्ज जो है क्वाइल, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ये नहीं था, ना लार्ज था ना इतना क्वाइल था, अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वाइल भी हो गया, बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो गया, और इसने एक सुपर क्वाइल क्रोमोसोम फाइबर्स बना दिए। इट फॉर्म्स सुपर क्वाइल सॉरी क्रोमैटिन फाइबर्स बना दिए। अब ये जो क्रोमैटिन सुपर क्वाइल क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आगे कुछ लूप्स बनानी है। अब ये जो सुपर क्वाइल क्रोमैटिन फाइबर्स है इन्होंने अब यहाँ पर लूप्स बना दी, इस तरह करके लूप्स बना दी। ये क्या है, ये है लूप्स। तो अब ये जो लूप्स बन गई, ठीक है, इसके कुछ नैनोमीटर की भी हमने बात की, तो वो मैंने साथ डायग्राम में जो पहले आपको दिखाई मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर ठीक है ये जो मेंशन मैंने किया हुआ है 300 नैनोमीटर। ठीक है, ये लूप क्या है, 300 नैनोमीटर। अब लूप बन गया, अब इन लूप ने फर्दर क्वाइलिंग करनी है और इन्होंने आगे क्रोमोसोम बनाना है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फर्दर ये बिल्कुल इतनी छोटी छोटी ये क्वाइलिंग हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वाइलिंग होती जा रही है, क्वाइलिंग होती जा रही है, और यहाँ पर अब इन्होंने क्या काम करना है, यहाँ पर अब इन्होंने एक क्रोमोसोम बना दिया है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इसकी अगर बात करें कि ये कितने नैनोमीटर का है, इट इज़ 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर का ये क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, तो ये वाली स्टेज हम कह रहे हैं कि ये मेटाफेज थी, कि पहले हम बात करें कि पहले हमारे पास डीएनए था पूरा, हमने एक डीएनए देखा, डीएनए जो था हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर था, फिर हमने उसको अनवाइंड किया, ठीक है, ताकि हम उसकी खसूसियात देख सकें। जब हमने उसको अनवाइंड किया, उसके हमने पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया कि इसमें कुछ H1 प्रोटीन भी है, कुछ लिंकर डीएनए भी मौजूद होते हैं और न्यूक्लियोसोम भी मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ बीड्स भी मौजूद हैं, बीड्स इनके स्ट्रिंग्स पे मौजूद हैं, तो उनकी मदद से ये बहुत ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग हो जाती है क्रोमैटिन की। फिर वो जो सुपर क्वाइलिंग हुई वे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, जो हमने जिसको सोलेनाइड कहा था, और वो 300 नैनोमीटर हमने बात की थी, सॉरी 30 नैनोमीटर की बात की थी, ठीक है। तो ये जो है इनके 30 नैनोमीटर, जिसको हम सोलेनाइड बोल रहे थे, ठीक है, ये क्या था, ये सोलेनाइड, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सुपर क्वाइलिंग की, क्रोमैटिन फाइबर्स बना दिया। अब इन क्रोमैटिन फाइबर्स ने फर्दर आगे लूप्स बना दिए और ये 300 नैनोमीटर के थे। उसके बाद ये जो लूप्स बन गए, ये फर्दर जो है आगे क्वाइलिंग होती गई और इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने एक क्रोमोसोम बना दिया जिसकी नैनोमीटर 1400 नैनोमीटर है। अब आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगी, ठीक है, कि यहाँ पर जिसने एक डीएनए था जिसको हम कह रहे हैं 2 नैनोमीटर डीएनए है, देन उसकी आगे हिस्टोन उसके अंदर से स्ट्रक्चर देखा हुआ, उसके बाद उन्होंने लूप्स बना लिए, फिर उसके बाद जो है एक क्रोमैटिन फाइबर जो है
और उन्होंने फर्दर जो है एक कंडेंस सेक्शन बन गया, फर्दर उसके बाद जाके क्रोमोसोम बन गया। तो ये इस तरह आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है आपने बिल्कुल इसको इस तरह याद रखना है। या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो है एक पार्ट है उसका, उसके बाद आगे इस तरह करके एक डीएनए होता है, ठीक है। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल। आप जिस तरह हमने ये एक बात की थी कि ये उसका एक पार्ट देख लिया, उसमें हमने ये सारे डीएनए की फॉर्मेशन देख ली, तो ये बिल्कुल उस डायग्राम में भी यही चीज़ें बताई हुई हैं। उसके अलावा कुछ टर्म्स थी जो इसमें समझाई गई थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो हमने अब बात कर ली कि सारे क्रोमैटिन जो हैं वो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। कुछ जो हैं वो उसके एडोलेसेंस की एज में एक्टिव हैं और कुछ जो है उसके बाद अडल्ट में एक्टिव होंगे। तो अब इसमें कुछ रीजन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ रीजन्स की। इन अदर केसेस इंटायर क्रोमोसोम्स में नॉट फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सेल, सो देर आर टू एरियाज ऑफ क्रोमोसोम्स। हम कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो पूरा क्रोमोसोम है वो एक्टिव नहीं होता, उसे कुछ सेल जो है, कुछ जो खास सेल है वो एक्टिव होते हैं। तो इनके दो एरियाज हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं दो एरियाज होते हैं क्रोमोसोम के, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है वो रीजन उस वक्त शो होते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा उस टाइम हमें नहीं पता, जब सेल की डिवीजन हो रही है उस टाइम वो दोनों रीजन शो होते हैं। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स के रीजन हैं जो कि आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन रीजन एंड यूक्रोमैटिन रीजन। तो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन क्या है कि ये जो क्रोमोसोम का इनएक्टिव पोर्शन है, जो इनएक्टिव पोर्शन है क्रोमोसोम का वो कहलाता है हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। उसके अलावा ये हाईली कंडेंस्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड। अब कंडेंस्ड की तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये हाईली कंडेंस्ड है और ये इट कैन बी नेवर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में उसको हम ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाईली कंडेंस है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कंडेंस फॉर्म में होगा कि हम इसको खोल कर नहीं देख सकते कि इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात शामिल होती हैं। तो अब बात करते हैं यूक्रोमैटिन रीजन की। तो यूक्रोमैटिन हम कहते हैं कि एक लूज है, एक लूज स्ट्रक्चर है, एक लूज क्रोमोसोम है। तो ये एक्टिव पोर्शन है जो क्रोमोसोम का वो कहलाता है यूक्रोमैटिन, इनएक्टिव पोर्शन हेट्रोक्रोमैटिन है, एक्टिव पोर्शन क्रोमोसोम का यूक्रोमैटिन कहला रहा है। अब जो यूक्रोमैटिन है ये लूज पोर्शन है, ये इतना ज़्यादा कंडेंस नहीं, जैसे वो इस तरह बहुत ज़्यादा कंडेंस है ना, इस तरह करके कंडेंस है, लेकिन ये इतना नहीं, ये बिल्कुल ऐसे करके ना लूज कंडेंस होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये नॉट हाईली कंडेंस्ड, ये ओपन होता है और ये अपने आप को जो है इन्होंने कहा कि नॉट हाईली कंडेंस्ड ओपन व्हेन सेल डिवीजन नॉट अकर। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन की, तो जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, ये ओपन फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये कंडेंस कब होगा, जब सेल की डिवीजन होगी, इतना ज़्यादा कंडेंस तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कंडेंस होगा, लूजली कंडेंस्ड होगा। कब? जब सेल की डिवीजन हो रही होगी। तो यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको जो रेड पोर्शन है ये हेट्रोक्रोमैटिन है, जो इसका ब्लू पोर्शन है ये क्या है, ये यूक्रोमैटिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये वाला पोर्शन भी हेट्रोक्रोमैटिन है जिसमें ये सेंट्रोमियर भी आ रहा है, तो ये क्या है, ये हेट्रोक्रोमैटिन है। और ये दो ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये यूक्रोमैटिन है। अब ये वाला पोर्शन जो रेड में है ये सारा सारा इनएक्टिव है, और ये जो ब्लू में है ये एक्टिव पोर्शन है और लूजली है, लूजली कंडेंस्ड होगा। इसमें आपको मैं कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ। ये एक क्रोमोसोम है जो हम कह रहे हैं एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये एक कॉपी है, जैसे ये एक कॉपी है क्रोमोसोम की, अब आगे उसने अपनी एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कॉपी बना ली भी है। अब ये दोनों जो है, ये जो है ये क्या है, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पर ये एक सेंट्रोमियर है, इसके जो सेंटर है जिसने इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ा हुआ है उसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और इस सेंट्रोमियर के अंदर कुछ काइनेटोकोर मौजूद है, ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन हमने पहले पढ़ा था, इसमें काइनेटोकोर मौजूद है। उसके बाद इसको सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये एक ही क्रोमोसोम है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे की आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। और कुछ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होंगी, वो क्या होगा कि एक हम फर्ज करें ये क्रोमोसोम है, अब एक हमारे पास ये क्रोमोसोम, यानी कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये हैं। अब ये एक ये क्रोमोसोम बन गया, एक ये, अब एक हम फर्ज करें इसके क्रोमोसोम ले लेते और एक हम इसका क्रोमोसोम ले लेते हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएगी, यानी कि नॉन आइडेंटिकल हैं, एक कॉपी एक की और एक कॉपी दूसरे की। तो ये हम कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर एक ही क्रोमेटिड्स की कॉपी होंगी तो उसे हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, उसके रीजन्स को भी हमने जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।